चलना है कि नहीं? रथ कब से खड़ा है? चलते हैं दाऊ, परंतु इतनी शीघ्रता क्यों? पल तो पल और ठहर जाइए ना। पर क्यों ठहर जाऊं? तुम कोई एक ही कारण बता दो। एक कारण तो यही है दाऊ कि अब हमें इस आश्रम के दर्शन नहीं होने वाले। यह आश्रम शुद्ध संस्कृति का द्वीप है। अब सांस लेने के लिए इतनी शुद्ध वायु मिलना भी कठिन है दाऊ, तो दो चार लंबी लंबी सांसें आप भी ले लीजिए। और वैसे मैं किसी की प्रतीक्षा भी कर रहा हूं। किसकी प्रतीक्षा? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सुदामा। आज्ञा गुरुदेव। जाकर गुरुमाता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे हैं। लो संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव, अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगरी। जो आज्ञा। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए, इसका करो यदि कृष्ण और बलराम ठीक समय पर ना गए हो तो मथुरा की पराजय आज निश्चित। तो मथुरा पर इन दोनों का एक और ऋण चाहते हैं। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु मातृभूमि कभी ऋणी नहीं होती। और यदि कोई ये सोचे कि उसने या उसके परिवार ने मातृभूमि पर कोई उपकार किया है तो ये उसकी भूल है। मैंने जो किया वही मेरा कर्तव्य था, और आज के पश्चात भी मैं जो करूंगा वो केवल अपने कर्तव्य पालन ही के लिए करूंगा। विजय के इस क्षण में मैं ये कहना चाहता हूं कि मगध नरेश जरासंध फिर आक्रमण करेंगे। तो इसमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? यदुवंशियों को यूं मगध नरेश से घबराना शोभा नहीं देता। मैं बलराम से सहमत हूं महाराज। फिर भी हमें कृष्ण की बात तो सुननी ही चाहिए। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये देवकी का आठवां पुत्र है, जो मथुरा को ही नहीं बल्कि पूरी ब्रजभूमि को कंस से मुक्त दिलाने के लिए आया है। परंतु मथुरा तो कंस से मुक्त हो गई है महाराज,
तो ये जरासंध क्या है और ये बार बार मथुरा पर आक्रमण क्यों कर रहा है? अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है महाराज। मैं पिताश्री से सहमत हूं महाराज। यदि वो युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है पिताश्री, तो जरासंध को आने दीजिए, इस बार वो युद्ध समाप्त ही कर देते हैं। वीर पुरुष को युद्ध के लिए इतना उतावला नहीं होना चाहिए दाऊ। बलबीर की तो पहचान ही वो है कि वो आवश्यक और अनावश्यक युद्ध का अंतर समझ सकता है। अनावश्यक युद्ध तो केवल अभिमानी करते हैं। तो क्या हम मगन नरेश जरासंध के पास ही प्रार्थना लेकर जाएं पुत्र, कि युद्ध में हमारे हाथों पर आ जाए तो अवश्य हुई, परंतु हम पर दया करो, हम लड़ना नहीं चाहते। यदि ये कहने से युद्ध टल जाए तो ये कहने में भी क्षति नहीं है पिताश्री। ये तुम क्या कह रहे हो वासुदेव कृष्ण, क्या हम यदुवंशी उस जरासंध के आगे घुटने टेक दें? नहीं, घुटने तो केवल कायर टेकते हैं, तो ये मैं कैसे कह सकता हूं? अपनी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ना तो हमारा कर्तव्य है। तो तुम कह क्या रहे हो, कभी तो दो बोल सीधे बोल लिया करो। मेरा प्रस्ताव यह है कि हम यदुवंशियों को मथुरा छोड़ देनी चाहिए। हम मथुरा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मथुरा नहीं छोड़ेंगे। क्रोध की कटार क्रोधी की बुद्धि को काट सकती है, तो कोई ऐसे शस्त्र का उपयोग ही क्यों करे? बातें न बनाओ कृष्ण, तुम यही कह रहे हो ना कि जरासंध से डरकर हम घर भी छोड़ दें और रण भी। परंतु इतिहास तो इसे कायरता कहेगा। ये कहकर नंदगांव के माखन का अपमान तो मत करो कृष्ण। ये कहकर मैं नंदगांव के माखन का अपमान नहीं कर रहा हूं दाऊ, उसकी रक्षा कर रहा हूं। मगध नरेश की लड़ाई तो मुझसे है ना, कि मैंने मामा कंस का वध किया, उनकी दो पुत्रियां तो मेरे कारण विधवा हुई हैं, तो मगध नरेश के क्रोध की अग्नि में मथुरा क्यों जले? हां तो तुम अकेले ही उनके लिए बहुत हो। प्रश्न ये नहीं है दाऊ, परंतु युद्ध केवल तभी होना चाहिए जब दूसरे सारे मार्ग बंद हो चुके हों। परंतु जरासंध ने कौन सा मार्ग खुला छोड़ा है पुत्र? एक मार्ग है पिताश्री, मथुरा को युद्ध की अग्नि से बचाने का एक मार्ग अब भी खुला है। कौन सा मार्ग खुला है वत्स? मथुरा से कहीं और चले जाने का मार्ग महाराज। मथुरा में हमारे रहने का युग समाप्त हो गया है, नए युग के स्वागत के लिए हमें एक द्वारिका बनानी चाहिए, चारों ओर से सुरक्षित द्वारिका। ये क्यों नहीं कहते कि रण छोड़ने का प्रस्ताव रख रहे हो? यदि तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें रणछोड़श्री कहने लगेंगे पुत्र। जिस मथुरा, जिस व्रज भूमि को स्वयं मैंने कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है, उसे मगध नरेश जरासंध के बदले की भावना से बचाने के लिए मुझे यह भी स्वीकार है कि लोग मुझे रणछोड़ कहे। नामों में क्या धरा है, नाम तो पुकारने का एक साधन है, और बस लोग मुझे चाहे जिस नाम से पुकारें, परंतु जब मुझे ऐसा लगेगा कि पुकारने वाला मुझे पुकार रहा है, तब मैं अवश्य बोलूंगा और रहूंगा मैं वही जो मैं हूं। मैं तो फिर भी कहूंगा कि सुदर्शन चक्र निकालो। और हर गर्दन सुदर्शन चक्र के योग्य नहीं है दाऊ। यदुवंशियों को अपने अभिमान से प्यार है तो हम यही रहेंगे, और यदि उन्हें अपनी व्रज भूमि से प्यार है तो हमें स्वदेश त्याग करना ही पड़ेगा। कहना मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया, अब निर्णय लेना महाराज का कर्तव्य है। मैं वासुदेव कृष्ण से सहमत हूं। मुझे पता था कि सब कृष्ण से ही सहमत हो जाएंगे, परंतु इस द्वारिका का निर्माण कौन करेगा? इस द्वारिका का निर्माण करेंगे विश्वकर्मा जी। मैं महाराज उग्रसेन की ओर से आपका स्वागत करता हूं विश्वकर्मा जी। आपने यहां आने का जो कष्ट उठाया, उसके लिए मथुरा नगरी सदैव आपकी आभारी रहेगी। आप तो मुझे ये बताइए वासुदेव कि आपने मुझे बुलाया क्यों है? देव शिल्पी को कोई क्यों आमंत्रित करता है? महाराज चाहते हैं कि यदुवंशियों के लिए आप सागर से घिरी हुई एक नगरी का निर्माण करें। यदि उस नवीन नगरी का नाम द्वारिका होने वाला है तो उसका योजना चित्र मेरे पास है, ये देखिए। Thank you.
योजना चित्र तो अनुपम है, क्यों दाऊ? निर्णय लेने के पश्चात दाऊ से मत पूछा करो। आपकी ये नगरी तो हमें भा गई विश्वकर्मा जी, आप अपना कार्य आरंभ करें। क्या देख रही हैं राजकुमारी जी? अपना भविष्य। रोको सारथी, मेरे रथ पर तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी। आप द्वारिका से यहाँ अकेले ही चले आए? जब तुम मेरे रथ पर आ जाओगी तो मैं अकेला नहीं रह जाऊंगा। आपके यहाँ आने पर मैं अपना आभार कैसे प्रकट करूं वासुदेव? आभार और उसके प्रकटन का प्रश्न ही कहाँ उठता है देवी। यदि मुझे कोई सचमुच पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है, और किसी की पुकार सुनते ही आ जाने से बड़ा आनंद कोई नहीं। यदि आज्ञा दो तो हम चलें। मैं आज्ञा दूं? हाँ रुक्मिणी, मुझे तुमने बुलाया है, तो जब तक तुम आज्ञा न दोगी मैं यहाँ से कैसे चल सकता हूँ? यदि ऐसी बात है तो चलिए। घोषणा दिए बिना आ तो गया था, परंतु घोषणा दिए बिना चला जाना कायरता होगी। मैं तुम्हारा हरण नहीं कर रहा हूं, तुम्हें ले जा रहा हूं। पांसा फेंकिए मित्र। ये तो कृष्ण का शंख है। कृष्ण का शंख और यहां? यह विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर है, यहां कृष्ण नहीं आ सकता। आप पांसा फेंकिए। नहीं, ये उसी का शंख है। इसका अर्थ यह है कि वो यहीं कहीं आसपास है। युवराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो सैनिक? द्वारिका की सेना राजधानी के द्वार तक आ गई है युवराज। युवराज की जय हो। तुम क्या शुभ समाचार लेके आए हो? वासुदेव कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मिणी का हरण कर लिया है युवराज। क्या उस ग्वाले की ये हिम्मत? तुम जाकर बलराम को देखो, कृष्ण को मैं संभालता हूँ। नहीं मित्र, रुक्मिणी से अभी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम बलराम और द्वारिका की सेना को संभालो, कृष्ण को मैं देखता हूँ। Thank you.
मेरी बहन का हरण नहीं कर सकते। हरण तो मैंने कर लिया है रुक्मी। वासुदेव, रुक्मिणी कोई पड़ी हुई वस्तु नहीं है, जो चाहे उठा ले। योद्धा हो तो युद्ध करो। मैं योद्धा भी हूं रुक्मी। अस्त्र या शस्त्र रह गया हो तो वो भी सही। रुक्मी, मुझ पर दया करके अपमानित मत कीजिए वासुदेव, मेरा वध कर दीजिए। क्यों, तुमने अपराध ही क्या किया है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूं? तुम अपनी बहन की सुरक्षा के लिए आए थे विदर्भ युवराज, यही तुम्हारा कर्तव्य था, और मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। चलो सारा। तो फिर आपने क्या निर्णय लिया युवराज युधिष्ठिर? मैं युद्ध नहीं चाहता वासुदेव। युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता, और ना ही मैं युद्ध का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि अब समाचार फैल चुका है कि आप लोग जीवित हैं, और इसलिए आवश्यक है कि आप लोग अपना अधिकार मांगे। अपना अधिकार मांगना मनुष्य का कर्तव्य है, और यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो एक और आपत्ति भी खड़ी हो सकती है। दुर्योधन ये कह सकता है कि हस्तिनापुर न आने के कारण आपने अपने सारे अधिकार खो दिए। परंतु दुर्योधन एक वीर पुरुष है, वो ऐसा क्यों करेगा? निहित स्वार्थ दाऊ, निहित स्वार्थ। वासुदेव ठीक कह रहे हैं युधिष्ठिर, राजमुकुट वस्तु ही ऐसी है जिसके लिए द्रोण जैसे आचार्य की आत्मशक्ति के पांव भी टिक जाते हैं। न केवल पंचाल की सेनाएं बल्कि मेरे मित्रों की सेनाएं भी तुम्हारे साथ है पांडु राजकुमार। तुम जब चाहो तब ये सेनाएं तुम्हारे ध्वज के नीचे हस्तिनापुर की ओर चलने के लिए प्रस्तुत रहेंगी। नहीं पंचाल नरेश, नहीं। अधिकार मांगने के लिए सेना से अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता है। सेनाओं की यात्रा से उड़ने वाली धूल अधिकारों के प्रश्न को ढक लेगी। लोग कहेंगे कि युधिष्ठिर ने अपने ज्येष्ठ ताचरी पर आक्रमण किया,
और उन्हें भी अपनी रक्षा और हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए रणभूमि में आना पड़ा। अभी सत्य पांडवों के पक्ष में है। पांडवों के शिविर में सत्य के ध्वज को लहराने दीजिए, क्योंकि अंत में विजय सत्य ही की होती है। यदि रणभूमि में आना ही है तो पहले वे लोग आए। पांडवों पर आक्रमण करने का आरोप नहीं लगना चाहिए। युद्ध नीति तो ये नहीं कहती, वो तो कहती है मार पहले करनी चाहिए। सच कह रहे हो, परंतु मैं तो युद्ध की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शांति की बात कर रहा हूँ युवराज। यदि आप युवराज के स्थान पर रहे होते और आपके चारों भाई और आपकी माताश्री समेत सबको लाक्षागृह में जलाकर भस्म कर देने का षड्यंत्र रचा गया होता तब आप क्या करते? तुम मुझसे चार भाइयों की बात कर रहे हो युवराज? मेरे तो छह भाइयों की हत्या कर दी गई थी। मेरे माताश्री और पिताश्री कारागृह के अंधकार में दिनों की तो बात अलग, वर्षों तक की गिनती भूल गए थे। फिर भी मैंने मामा कंस पर आक्रमण नहीं किया। जब उन्होंने मुझे बुलवाया तब मैं नंदगांव से मथुरा गया। तो क्या हम लोग यहां बैठे बैठे निमंत्रण की प्रतीक्षा करते रहेंगे? तो आप ही बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उस दुर्योधन को पटक पटक के मारूंगा। ये मंझला कुंती पुत्र तो सदैव ही वीरों की भाषा बोलता है। महाराज की जय हो। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के दूत बनकर महामंत्री विदुर पधारे हैं। वे दर्शन के अभिलाषी हैं। पुत्र, महामंत्री विदुर को आदर सहित हमारे विशेष अतिथि गृह में ठहराओ और उनसे कहो कि पहले यात्रा की थकान दूर कर लें, कल अवश्य भेंट होगी। जी पिताश्री। क्या तुम जानते थे कि विदुर जी आने वाले हैं? ये तो आप भी जानते रहे होंगे दाऊ, क्योंकि इसके अतिरिक्त महाराज धृतराष्ट्र और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने तो दुर्योधन को भेजना चाहा होगा, परंतु उसके पास अभिमान अधिक है और समझ कम। यदि आज्ञा हो तो हम काकाश्री को प्रणाम कराएं। नहीं युवराज, आज वे काकाश्री नहीं है, आज वे हस्तिनापुर नरेश के दूत हैं। इसलिए उचित यही होगा कि सबके सामने मिला जाए, कि सब सुन सकें कि उन्होंने क्या कहा और तुमने क्या उत्तर दिया। ये कुधारणाओं से बचने के दिन है युवराज। नकुल! ये तुम किसकी अग्र पूजा कर रहे हो? प्रिय शिशुपाल, तुम चुप रहो। और तुम ये भी मत समझना कि ये राजे महाराजे, ये महारथियों का पूरा समुदाय तुमसे डर कर तुम्हारे राजसी यज्ञ में आया हुआ है। अरे हम तो ये सोचकर आए थे कि धर्म का अर्थ तुम हम सबसे अधिक जानते हो, इसलिए तुम्हें सम्राट बन जाने दें। परंतु तुमने इस ग्वाली की अग्र पूजा करके सारे राज समाज को अपमानित किया है। शिशुपाल, शिशुपाल, यदि एक शब्द भी मुझे निकाला तो जान से मार डालूंगा। भीम, अर्जुन, ये क्या अनुज? शिशुपाल हमारे अतिथि हैं। महाराज ठीक कह रहे हैं भीम भैया। प्रिय अर्जुन, अतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन न करो। तुम बोलते रहो शिशुपाल, क्योंकि ये तुम्हारे ही बोलने का दिन है। अरे बोलूंगा क्यों नहीं, क्या मैं तुझसे डरता हूं? अरे मैं तो ये भी नहीं मानता कि तू मेरे मामा वसुदेव का पुत्र है, और तुझको तो ये स्थान ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये स्थान या तो महर्षि व्यास ग्रहण करें या हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र, स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद के पुत्र का मुख्य अतिथि के स्थान पर बैठना सारे राज समाज का घोर अपमान है। शिशुपाल, और ये पितामह बन बैठे भीष्म तो सख्या गए, इनकी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी ढोंग है ढोंग। यदि ये प्रतिज्ञा ना भी करता तो भी ये वीरहीन, ये निस्सहाय, ये नपुंसक ब्रह्मचारी ही रहता। शिशुपाल, महादेव की सौगंध, यदि ये मेरे प्रिय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समारोह ना होता तो मैं तेरी जीभ काट लेता। ये आपका अपमान नहीं कर रहा पितामह, ये मेरा अपमान कर रहा है, इसे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने के लिए तेरी आज्ञा नहीं चाहिए, समझा?
इस नपुंसक ने प्रस्ताव रखा और शापित पांडवों के पुत्रों ने झट से उसे स्वीकार भी कर लिया और ये उचक्का उस स्थान पर बैठ गया जहां बैठने का साहस कोई भी दास पुत्र नहीं कर सकता। क्या ये द्रुपद से बढ़कर तुम्हारा हितैषी है? क्या द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से बड़ा आचार्य है? क्या ये दुर्योधन अश्वत्थामा और कर्ण से बड़ा योद्धा है? नहीं, न ऋतुज है, न राजा और न आचार्य। तो फिर नंद गांव की गायों का दूध दोहने वाले इस ग्वाली को किस दृष्टि से तुमने पूजा के योग्य मान लिया? आप सुन रही है ना बुआ, अब मैं क्या करूं? शिशुपाल, यदि तो आप भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। इसे बोलने दीजिए दाऊ, आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है? 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता। इसने पितामह भीष्म का अपमान किया है, इसने बुआ कुंती का अपमान किया है, इसने तुम्हारा अपमान किया है और तुम यहां खड़े मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा नहीं रहा हूं दाऊ, गिन रहा हूं। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। अरे तू मुझे क्या डराता है रे मायावी? और तू 3 अपमानों की बात करता है? मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं? किन ये हुआ 98, तू एक तुच्छ चोर है। ये हुआ 99, तूने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही वध कर डाला, तू कृतज्ञ भी है। ये हुआ पूरे 100, बोल क्या कहता है तू? बस अब रुक जाओ शिशुपाल। अरे तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर इस सभा में आ बैठा है। आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया द्रौपदी, समय आने पर एक एक धागे का ऋण उतारूंगा। दिया दंड श्री कृष्ण ने किया खंड अभिमान, आंचल चीरे द्रौपदी बांध रही भगवान, बांध रही भगवान। प्रेमांचल में बंध गए दिया वचन फिर आप, इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा माप, जग न सकेगा माप। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या? ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। बैठ जाओ।
मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक वेश्य या दासी का मान क्या और अपमान क्या? दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। देखूं तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वो लगती कैसी है। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय गर्मा की सौगंध तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी पांच पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र। अरे उतार, इधर छाती कहाँ है? चल इधर, आ इधर, छोड़ दे मुझे। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचा गिरधारी, हे कृष्ण, खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे। Hey Krishna,
हे कृष्ण, हे कृष्ण। नहीं अर्जुन, नहीं। दुर्योधन भी सहायता के लिए आया था। मैंने उससे भी यही कहा कि भाइयों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है, इस पर वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो शव गिरेंगे वो तो एक ही परिवार के होंगे ना। अतः इस युद्ध में ना तो मैं दुर्योधन के साथ में हूं और ना ही तुम्हारे। इसलिए ना मैंने दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद दिया है और ना ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मामाश्री, पहले तो मैं बहुत घबराया कि अर्जुन इस अफसर को हाथ से जाने नहीं देगा और वो उस नारायणी सेना को मांग लेगा। परंतु मामाश्री, अर्जुन तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बोला कि मैं इस नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया हूं और उसने उस निहत्थे वासुदेव को मांग लिया। तब मैंने मुंह लटका के कहा कि ठीक है, मुझे ही नारायणी सेना दे दो, मैं अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अरे ये सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें भांजे दुर्योधन, बड़ा महंगा पड़ेगा। वो मायावी कृष्ण निहत्था हो चाहे ना हो, हर सेना पर भारी है, भारी है हर सेना पर। इन बातों का यही तात्पर्य है ना कि अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं। आप धर्मराज हैं बड़े भैया, निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता न दिखाइए। प्रश्न शीघ्रता या विलंब का नहीं है वासुदेव, यह तो स्वयं आप भी देख रहे होंगे कि आरंभ से ही युद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं खुला है। यह दूतों का आना जाना तो केवल तर्क वितर्क की क्रीड़ा है। अधिक से अधिक ये कि आप ये नहीं चाहते कि आक्रमण का आरोप पांडवों के सर लगे। आक्रमण का आरोप पांडवों के सिर क्यों और कैसे होगा पिताश्री? क्या द्यूत में कपट इन्होंने किया था? क्या द्रौपदी वस्त्र हरण का आदेश इन्होंने दिया था? युद्ध इनका विकल्प नहीं, अधिकार है। युद्ध तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता शिखंडी। मेरा प्रस्ताव यह है कि यदि आप सब लोगों को मुझ पर विश्वास हो तो शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर मैं जाऊंगा। आप पर विश्वास न होने का प्रश्न ही नहीं देवकी नंदन। यदि आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए। जहां हमने इतने दिनों तक अपमान का विष पिया है, कुछ दिन और पी लेंगे। योद्धा केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं मजले भैया, उन्हें युद्ध के लिए व्याकुल होना शोभा नहीं देता। ये न भूलिए कि कल इतिहास आज के योद्धाओं को अपने मूल्यों की तुला में तोलेगा, और इतिहास न आपका संबंधी है और न ही दुर्योधन का। क्या आप ये चाहेंगे कि इतिहास की तुला में तुलते समय आपका पलड़ा हल्का पड़ जाए? मैं शांति विरोधी नहीं हूं वासुदेव, किंतु आपके और शांति के बीच किंतु जैसे शब्द को न बैठने दीजिए मजले भैया। तो ये निश्चित है कि शांति दूत बनकर हस्तिनापुर मैं जाऊंगा। भाई भाई में युद्ध न हो और रहे धर्म का मान, चले शांति प्रस्ताव ले स्वयं कृष्ण भगवान।
वासुदेव, मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र। इसमें सोचना क्या है पितामह? पण के अनुसार उन्हें 12 बरस के बनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था, और वे राज मांग रहे हैं। अपनी नात की आंच को धीमी करो दुर्योधन, धीमी करो। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट कर गिरा देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट कुल्हाड़ी बनकर स्वयं उसे काट डालता है। और ये भी देखो वत्स, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं। और मित्र की भाषा ये कह रही थी कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं। यदि ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। शत्रु वो है युवराज, जो किसी योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। जो कुछ भी वासुदेव ने कहा वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज, तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारे ये कहने पर। दुर्योधन, इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीव खींच लेता। और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है?
भगवान आंखें जिनके पास हो ले इनको पहचान ले इनको पहचान कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। केशव, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले यह बताओ पार्थ कि इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और धर्म रक्षा और विजय की आस लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया? श्रेष्ठ पुरुष तो यूं विषाद में डूबा नहीं करते। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ, नपुंसक न बनो। हे परंतप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं, ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से भी, और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। खड़ा कैसे हो जाऊं मधुसूदन, खड़ा कैसे हो जाऊं? पितामह का वध करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? कुरुश्रेष्ठ पर प्रहार करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? जो मेरे लिए पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे करूं? जिन गुरुओं ने मुझे विजय का मंत्र सिखाया उन्हें पराजित करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? इन महापुरुषों पर हाथ उठाने से तो कहीं अच्छा है कि मैं ये हाथ भिक्षा के लिए फैलाऊं। भिक्षा में मिली हुई रोटी इन महापुरुषों के रक्त से सनी भी नहीं होगी। हे ऋषिकेश, मैं तो यह भी समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध में विजय श्रेष्ठ है या पराजय। धृतराष्ट्र पुत्र शत्रुओं की भांति मेरे सामने खड़े हैं। मैं जानता हूं कि उनका वध किए बिना जीना संभव नहीं है, किंतु हे केशव, उनका वध करने के उपरांत भी जीना सहज नहीं होगा। क्या वो मेरे भाई नहीं है केशव? बोलिए केशव। अवश्य है। बस केवल इतना ही कहना है आपको? तुमने केवल यही तो पूछा था पार्थ, किंतु ये युद्ध संबंधों और नातों की स्थापना या पहचान के लिए नहीं है कुंती पुत्र। अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो, क्योंकि निर्णय तो तुम ही को लेना पड़ेगा। यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो यह नहीं होगा पार्थ, कदापि नहीं होगा, क्योंकि यह युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा केशव, इसलिए हे वासुदेव, आप मेरी आत्मा के भी सारथी बन जाइए। मैं जानता हूं कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूं, किंतु यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव। इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग दिखलाइए मुझे। अपनी इस मानसिक अवस्था में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता गोविंद, गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता। न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम। अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हां पार्थ, जो चले गए वे तो चले गए, और ज्ञानी तो न जाने वालों का शोक करते हैं और नहीं उनका जो नहीं गए। वे तो न विगत के लिए शोक करें और नहीं अगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले यह तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है। तो क्या पितामह या गुरुश्रेष्ठ आचार्य शोक के योग्य नहीं है केशव? यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये कहता ही क्यों पार्थ। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं
आत्मा है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है, आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है। और आत्मा मरता नहीं, कभी नहीं मरता। किंतु वे जो सामने खड़े हैं, वे इस युद्ध के पश्चात सबके सब होंगे ना केशव? सबके सब होंगे ना? ये होना और ना होना क्या है पार्थ? क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे, और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। तो फिर तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी, और हम होंगे भी। अब रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यान तांतितिक्षस्व भारत। हे भारत, मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है पार्थ। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा तो बस है पार्थ, है। वो काल के दोनों तटों पर भी है और काल की धारा में भी। वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है, अविनाशी है। इसलिए मारने या मरने के प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है पार्थ, व्यर्थ है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, और वायु उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
अब किस चिंता में हो पार्थ? हे जनार्दन, क्या मैं केवल एक आत्मा को पितामह कहता हूं? मैं अपने धूल में सने वस्त्र पहनकर एक आत्मा की गोद में घुस जाया करता था। वो जो श्वेत वस्त्र वाले वृद्ध योद्धा सामने अपने रथ पे खड़े हैं, क्या केवल वो एक आत्मा है? क्या उनके उस शरीर ने, जिसे आप आत्मा का वस्त्र कह रहे हैं, अनेक बार मेरे शीश पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं धरा था? क्या वो वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ केवल एक आत्मा है जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है? केशव, मैं आत्मा के नित्य होने, पुरातन होने, अविनाशी होने को नहीं ना करता, पर जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूं, वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना? आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव, आत्मा तो जन्म नहीं लेता, किंतु लोग तो जन्म लेते हैं केशव, लोग तो जन्म लेते हैं। हाँ, लोग जन्म तो अवश्य लेते हैं पार्थ, किंतु इस तर्क को तनिक आगे बढ़ाओ महाबाहो, तनिक आगे बढ़ाओ। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। ये तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता, न तुम, न मैं, न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म के श्रृंखला में शोक का स्थान कहां है पार्थ? कहां है शोक का स्थान? जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ, वो इस जन्म से पहले भी थे, पर क्या थे ये तुम नहीं जानते। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और यदि है भी तो अज्ञात है, अव्यक्त है। अर्थात इस जन्म से पूर्व भी वो तुम्हारे लिए नहीं थे पार्थ, और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे। तो हे पार्थ, जिनके जीवन का अनिवार्य अंत ही मृत्यु हो, और उनके जीवन के इस अनिवार्य अंत को न तुम टाल सकते हो और न ही बदल सकते हो, तो फिर शोक काहे का और शोक क्यों? ये पितामह, ये गुरुजन, ये सगे संबंधी, इनमें से किसी को भी तुम उनके इस जन्म से पूर्व भी नहीं जानते थे पार्थ, और न ही इस जन्म के उपरांत जानोगे। तब तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा ना पार्थ, व्यर्थ होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे पार्थ, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसमें आश्चर्य की क्या बात है पार्थ? जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य ठहरा है, वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है, तो फिर सत्य का शोक क्यों? मनुष्य शरीर और आत्मा नश्वर और अनश्वर का मिश्रण नहीं है, शरीर तो केवल आत्मा का एक साधन है। इसलिए शरीर की चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए पार्थ। किंतु यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म के विषय में सोच रहे हो पार्थ, तब भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध अस्त्र और शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय का धर्म है, और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए सामने खड़ा है। इसलिए हे पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हे केशव, आपसे यही पूछने तो मैं आपको यहां लाया हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि मेरा धर्म क्या है केशव? और स्वयं तुम क्या हो पार्थ?
स्वयं तुम कौन हो? मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो? मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। और मैं क्षत्रिय हूं केशव। यदि तुम क्षत्रिय न रहे होते पार्थ, तो द्रोण शिष्य भी न होते। और हे कौंतेय, कुंती पुत्र होने के नाते भी तो तुम क्षत्रिय ही हो, तो तुम्हारी तीनों ही पहचाने क्षत्रिय पहचाने हैं। इसलिए क्षत्रिय धर्म ही तुम्हारा धर्म है, उस धर्म का पालन करो। अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और यदि इस निर्णायक घड़ी में तुमने सत्य के पक्ष में और असत्य के विरोध में अस्त्र नहीं उठाए पार्थ, तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ पार्थ, तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित कापुरुष कहेगा और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर और पापी मानेंगी। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई, तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे। और यदि वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौंतेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः। आत्मा तो मरता नहीं, मर जाती है देह। मन में तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह। सीख हम बीते युगों से, नए युग का करे स्वागत। गुरुदेव, मैं विराट नरेश राजा द्रुपद के वध से संतुष्ट नहीं, मुझे पांडवों का शव चाहिए। उनका वध सहज नहीं है दुर्योधन। यदि ये सहज होता तो मैं आपसे कहता ही क्यों गुरुदेव? आपके पास तो दिव्यास्त्र है, आपसे तो देवलोक वाले भी युद्ध नहीं कर सकते, और आप अपने ही सिखाए हुए 5 पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि उनका वध आपसे जागते में संभव नहीं, तो उन्हें सोते हुए मार डालिए। मैं कपट संग्राम नहीं कर सकता हूं दुर्योधन, जाओ मुझे युद्ध करने दो। पितामह की भांति युद्ध करना तो आप चाहते नहीं गुरुदेव। और एक बात ध्यान रहे कि युद्ध केवल विजय के लिए ही किया जाता है, और आप तो मेरी विजय के लिए युद्ध कर ही नहीं रहे हैं। मेरे 98 भाई वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और वे 5 के 5 पांडव अब तक जीवित हैं। मैं योद्धा हूं दुर्योधन, यमराज नहीं हूं। सारथी, रथ आगे बढ़ाओ। केशव, वो देखिए। मैं सब कुछ देख रहा हूं पार्थ, सब देख रहा हूं। आज के आचार्य द्रोण को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। युद्ध में पराजित नहीं कर सकता? तो क्या आज हम ये युद्ध हार जाएंगे केशव? मैंने ये तो नहीं कहा था पार्थ, किंतु ये अवश्य कह रहा हूं कि युद्ध के सारे नियमों का पालन करते हुए आज के आचार्य द्रोण को कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा के लिए यदि धर्मेतर का सहयोग भी लेना पड़े, तो इसमें कोई क्षति नहीं है। या आप क्या कह रहे हैं गिरिधर? मैं तो केवल एक क्रियात्मक बात कर रहा हूं कौंतेय। जो धर्म का विरोध कर रहा हो, वो तो स्वयं ही अधर्म का प्रतीक हुआ ना, तो उसे धर्म के मार्ग से हटाना तो सबका कर्तव्य भी हुआ।
तो ऐसे व्यक्ति को धर्म के मार्ग से हटाने वाला धर्मेतर तो धर्म ही हो गया ना पार्थ। ये तो कोरा तर्क है वासुदेव। तर्क ही जीवन का आधार है अर्जुन। विश्वास का अंकुर यदि तर्क की भूमि से फूटे तभी जीवित रह सकता है। तुम ये तो मानते हो ना कि ये युद्ध तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है? अवश्य मानता हूं। और तुम ये भी अवश्य मानते हो कि आचार्य द्रोण धर्म की विजय के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है? हाँ, ये भी अवश्य मानता हूं। तब तो तुम ये अवश्य मानोगे पार्थ कि धर्म की विजय के लिए आचार्य की पराजय अनिवार्य है। और ये मान लो पार्थ कि धर्म का पालन कभी अधर्म नहीं हो सकता। पार्थ, पितामह भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करते समय तो तुम तनिक भर भी नहीं हिचकिचाए थे। तो अब क्या करना चाहिए केशव? बस एक ही उपाय है पार्थ। आचार्य द्रोण को यह विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि अश्वत्थामा वीरगति को प्राप्त हुआ है। यह शोक उनसे सहन नहीं हो पाएगा और वे धनुष रख देंगे। नहीं केशव, मैं क्षमा चाहता हूं किंतु इन दामों में युद्ध नहीं जीतना चाहता। युद्ध जीतने या ना जीतने वाले तुम कौन होते हो पार्थ? अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा धर्म है तो तुम केवल अपना कर्म करो। कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। किंतु मैं असत्य के वाण चलाने की कला नहीं जानता हूं मधुसूदन। संधि और मेरे बीच पिछले 17 दिन और अनगिनत शव है माता श्री। यदि मुझे मेरा प्रिय राधे वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि मुझे मेरा प्रिय दुशासन वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि पितामह के वृद्ध शरीर से सारे वाण निकाल लिए जाएं तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। परंतु जैसे ये सब संभव नहीं है माता श्री, उसी तरह अब संधि भी संभव नहीं है। और अब मैं संधि करके अपने मित्र राधे की निष्ठा, अपने प्रिय अनुज दुशासन के प्रेम, अपने गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु और पितामह के अनगिनत घावों का अपमान नहीं कर सकता माता श्री। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाला युग आपको कायर दुर्योधन की माता के नाते याद करे। इसलिए अब मेरे पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया माता श्री। हे माते, क्या आप मुझे अस्त होते हुए चंद्रमा को साक्षी मानकर विजय श्री का आशीर्वाद देंगी? नहीं पुत्र, ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी। अपने प्रिय पुत्रों के खो जाने के पश्चात भी ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी। किंतु ये शिव भक्तनी तुम्हें कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और गंगा तट से सीधे मेरे पास आओ। किंतु वैसे ही जैसे तुमने जन्म लिया था। नग्न माता श्री, मां के समक्ष कैसी लज्जा। मां से ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते। जो आज्ञा माता श्री। Thank you.
युवराज दुर्योधन, तुम अपने वस्त्र कहाँ भूला है? और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? माता श्री का यही आदेश था। किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें अपनी गोदी में लिया होगा, किंतु तुम तो माता नहीं हो ना, तुम तो पुत्र हो और वो भी वयस्क। और एक युवा पुत्र अपनी माता के सामने इस दशा में जाएगा पूर्ण नग्न? भरत वंश की तो यह परंपरा नहीं है युवराज। किंतु भरत वंश की परंपराओं का आदर करना तो तुमने कब का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, जाओ। माता श्री, मैं स्नान करके आ गया। माता श्री, मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ पुत्र। जो आ गया माता श्री। हे पुत्र, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माता श्री? किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। तो मैं ये केले की पत्ते हटा देता हूं माता श्री। मैं कोई मायावी नहीं हूं पुत्र, मैंने अपनी उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व, अपनी तपस्या और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। आप चिंता न करें माता श्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उस निमुचिये भीम को इतनी मार मारूंगा कि वो घबरा कर वीर गति की प्राप्ति की ओर चला जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत जो भी हो,
प्रणाम माता गांधारी। आओ गिरिधर, आओ मधुसूदन। नहीं, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी। आओ देवकी नंदन। आप जिस भी नाम से पुकारेंगे माता, मैं बोलूंगा। ये तो तुम्हें याद ही होगा देवकी नंदन, कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी और आज केवल 1 पुत्र की मां रह गई हूं। सौ और एक के बीच केवल शव ही शव है। देवकी नंदन, तुम तो उन शवों को पहचानते होगे। वे मेरे पुत्रों के शव थे। हाँ माते, और इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचानते हुए भी नहीं पहचानती, और वो शव है ज्येष्ठ कौंतेय का। क्या युधिष्ठिर? नहीं माता, बड़े भैया ज्येष्ठ कौंतेय नहीं है। ज्येष्ठ कौंतेय वो था जिसे आप सब राधेय के नाम से जानते और समझते थे। राधेय? इसलिए ऐसा नहीं है माता कि शवों के इस ढेर में मेरी बुआ का कोई योगदान ही ना हो। वो कुंती पुत्र था। हाँ माते, इसलिए ये न सोचिए माता कि आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में मेरी बुआ की ओर से कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था। दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग है, राधेय को निष्ठा का रोग था। वो सब कुछ जानते हुए भी आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। इसलिए है माता, शव न गिनिए। ये तुम कह सकते हो देवकी नंदन, क्योंकि तुम मां नहीं हो। विजय के उपरांत जब द्वारिका जाना तो देवकी से पूछना कि कोख उजड़ने की पीड़ा कैसी होती है। ये पीड़ा जनन पीड़ा से कहीं अधिक होती है। वो अपने पुत्रों पर रो चुकी है, वो मेरी पीड़ा समझ जाएगी, और वो ये भी समझ जाएगी कि मैं आज तुम्हें शाप क्यों दे रही हूं। माते, हे वासुदेव कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो ये युद्ध ना होता, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अवश्य रोक सकता था माते, अवश्य रोक सकता था, किंतु ये युद्ध आवश्यक था माता। हे यदुनंदन, सुनो, मैं शिव भक्तनी गांधारी आज तुम्हें ये शाप देती हूँ कि मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए।
तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए द्रोण पुत्र, क्योंकि तुम्हें निःसंदेह अपने कुल को कलंकित किया है, किंतु पांडव तो जीवित हैं। जिन पांचों को तुम पांडव समझे वे पांचों तो द्रौपदी। अब तो मुझे आप कर दीजिए प्रायश्चित पांडव। ऋषिवर के पीछे न छुप कर समझा। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। अर्जुन, अश्वत्थामा, ये वो अस्त्र है जो भूमंडल को नष्ट कर देगा। लौटा लो इस अस्त्र को। क्या द्रोणाचार्य ने तुम्हें यह नहीं बताया था कि ऐसी शक्तियां युद्ध के लिए नहीं होती? हे वासुदेव, तुमने भी अर्जुन को नहीं रोका। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था ऋषिवर, और उसे काटने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश था। अर्जुन, अश्वत्थामा, लौटा लो इस अस्त्र को। जो आज्ञा ऋषिवर। देख क्या रहे हो अश्वत्थामा, लौटाओ अपना ब्रह्मास्त्र। मुझे ये अस्त्र लौटाना नहीं आता ऋषिवर। लौटाना नहीं आता तो फिर चलाया क्यों था मूर्ख? दिशा बदल अपने अस्त्र की। क्या तू स्वयं अपने अस्त्र की शक्ति भी नहीं जानता? क्या तू यह भी नहीं जानता कि यदि रचयिता का अस्त्र चलेगा तो फिर क्या बच सकता? क्या तू यह चाहता है कि परम पिता ब्रह्मा को किसी और भूमंडल की रचना करनी पड़े? पांच बालकों के रक्त में डूबे हुए ब्रह्मा, दिशा बदल अपने अस्त्र की। अरे मूर्ख, यदि पांडव ना रहे तो क्या तू निर्माण करेगा उस समाज का जिसमें मनुष्य का आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा? क्या तेरी ये लहू भरी आंखें मानव जाति को किसी उज्ज्वल भविष्य का सपना दिखा सकेंगी? नहीं, इसलिए दिशा बदल अपने अर्थ की अश्वत्थामा। दिशा तो अवश्य बदल दूंगा ऋषिवर, किंतु ये चाहेगा फिर भी पांडवों की ही हो। यदि उनका नाश नहीं कर सकता तो उनके बीज को अवश्य नष्ट कर दूंगा।
दासी राजवैद्य को बुलाओ, शीघ्र चलो। धैर्य रखो पुत्री, हे अश्वत्थामा, तुम एक अति घिनौने व्यक्ति हो जिसका स्पर्श कीचड़ को भी मैला कर देगा। क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अभिमन्यु पुत्र की उत्तरा के गर्भ में ही हत्या कर सकते हो तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता? ये वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान देगा और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। और आज तुम्हारे माथे पर जहां एक मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहां एक खाव होगा जो सदैव रिसता और दुखता रहेगा। बड़े भैया, इसके माथे से यह मणि निकाल लीजिए क्योंकि यह मानव जाति की धरोहर है। ये मणि ले लीजिए वासुदेव। लीजिए, इसे स्वयं ही निभा देता हूं। वासुदेव लीजिए, ये मणि स्वीकार कीजिए, किंतु अपने शाप से मुझे मुक्त कर दीजिए। वासुदेव मुक्त कर दीजिए। ये शाप नहीं था अश्वत्थामा कि मैं तुझे इससे मुक्त कर दूं, ये तो तेरे पापों का भुगतान है। और समाज के इस ऋण से तुझे मुक्त करने वाला मैं कौन होता हूं? अनुशंसा ऋषिवर, अनुशंसा, अनुशंसा। बड़े भैया, ये मणि ले लीजिए, मैं उत्तरा के पास भी जाऊंगा। मृत्यु गर्भ ही हो चुकी है महारानी जी, यदि गर्भपात न हुआ तो सूतिका का बचना असंभव हो जाएगा। जीवन के अंतिम ज्योति ही चली गई। नहीं पुत्र, रो नहीं, प्रकाश की कभी मृत्यु नहीं। अंधकार तो केवल यह समझता है कि उसने प्रकाश को निगल लिया, किंतु वो प्रकाश को कभी निगल नहीं सकता। जागो प्रिय मनुष्य, जागो।
सब मर्यादा खो, बाल न बांका कर सके जो कृपा कृष्ण की हो। आभा